नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया और टाइटल आप लोगों ने पढ़ा, उस टाइटल के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अब वो समय आ गया है जिसमें तैयार हो जाना है, अब वो समय आ गया है जिसमें दो पड़ाव के पार करने के बाद में तीसरे युग परिवर्तन के चरण के अंदर हम लोगों को जाने का टाइम आ गया है। तो अब शुरू होने वाला है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बदलाव, और इस बदलाव के अंदर पश्चिमी देशों का, भारत का, एशिया का क्या क्या होने वाला है, क्या स्वरूप बदलने वाला है, ये सारी बातें डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड द क्लाइमेट स्टेट एंड स्टडीज़ ने ये बात मान ली है कि अर्थ के पोल शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, अर्थ के पोल स्विच हो रहे हैं, जिस वजह से एंटार्क्टिका के अंदर की गई खुदाई, उस खुदाई के अंदर उन्होंने सोचा नहीं था कि बर्फ की चादर उनको लगा था बहुत मोटी मिलेगी, लेकिन जब खुदाई की गई तो 2 किलोमीटर भी नहीं थी वो चादर, 1.6 मतलब 1 किलोमीटर 600 मीटर जो चादर कभी 20-20, 22-22 किलोमीटर की हुआ करती थी वो 1 किलोमीटर और 600 मीटर के रह गई है। तो अब वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बड़े पोल स्विच होने के कारण अर्थ का इंटरनल टेम्परेचर इस अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है कि जिस वजह से जो भी नॉर्थ की डायरेक्शंस है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, और ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो ये स्विच, ये बड़ा चेंज क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, सारी डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिस वजह से डायरेक्शन के अंदर जो ये चेंज स्टार्ट हुआ है वो सबसे बड़ा कारण है वेदर एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से। जो क्लाइमेट स्टडीज़ के अंदर उन्होंने पता किया, साइंटिस्टों ने इस बात को जाना, और ऑलरेडी हमारे धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी गई थी कि मोमेंटम चेंज हो रहा है पृथ्वी का, और उस मोमेंटम के चेंज होने के बाद में जो आज से करीबन 500-600 पहले वर्ष की अगर मैं बात करूं, तो जिस समय में भविष्य मालिका लिखी गई थी उस समय, अगर मैं आज के टाइम से 500 या 600 वर्ष पहले की बात करूं, तो उस समय में दिन की इकाइयां छोटी हुआ करती थी, और उससे करीबन 2000 वर्ष पहले दिन जो हुआ करता था वो 20 घंटे के आसपास का हुआ करता था। तो ये जो टाइम चेंज हुआ, अब दोबारा से पृथ्वी उसी संतुलन के अंदर आती जा रही है, और दिन का जो दिन का टाइम है वो घटता जा रहा है, मतलब अर्थ तेजी से घूम रही है, जिस कारण कुछ मिली सेकेंड का फर्क अभी से पड़ना स्टार्ट हो गया, और आने वाले टाइम में कुछ सालों के बाद में ये बढ़ जाएगा। और ये मोमेंटम जो शिफ्ट हो रहा है, इस कारण इन्वायरमेंट के अंदर बहुत बड़ा चेंज क्रिएट होने वाला है। आने वाले कुछ सालों के अंदर इन्वायरमेंट में इतना बड़ा चेंज क्रिएट हो जाएगा कि जिस टाइम पे सर्दियां हुआ करती थी उस टाइम पे गर्मी या बरसात हुआ करेगी, और बरसात के बाद में दोबारा से सर्दियाँ कुछ छोटे पड़ाव के लिए आएंगी, मतलब बरसात और सर्दियों का फेरा कम हो जाएगा, और अर्थ के ऊपर केवल और केवल गर्मी बढ़ती जाएगी, जिस कारण हीट बढ़ने के कारण पृथ्वी का आंतरिक कोर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल हमारा कम होता चला जाएगा। सन के पास में जो हमारी अर्थ है उसको आपको पता है कि फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और थोड़े टाइम पहले स्टडीज़ के अंदर आया था, सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अर्थ से मून दूर जा रहा था, लेकिन अब वो दोबारे से रोटेटरी सिचुएशन में आते हुए अर्थ के पास आना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे मून अर्थ के पास आता है वैसे वैसे पंच तत्वों की अगर मैं बात करूं तो जल तत्व, वायु तत्व के अंदर बहुत बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि ग्रहण जल्दी पड़ने लग गए हैं, कुछ समय के अंतराल में ही 2 ग्रहण एक साथ आने लग गए हैं। तो बढ़ता हुआ परिवर्तन अब जो दिखा रहा है वो सितंबर के महीने के बाद से गुरु, राहु और शनि दुनिया के अंदर एक ऐसा खिलवाड़ करने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक ऐसी चेंज क्रिएट करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो चेंज हम लोगों को आने वाले टाइम के बारे में बताएगा, मतलब आने वाले टाइम के अंदर हम उस चेंज को देखेंगे और समझेंगे, जिसको आज ये तीनों ग्रह उस चीज़ की नींव रख देंगे। नहीं समझ में आया होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब मोबाइल स्टार्ट नहीं हुए थे तो टेलीफोन ने जिस प्रकार से इस मोबाइल की नींव रखी थी, तो उसी प्रकार से अब एक नए युग परिवर्तन आने से पहले ये समय, ये कालखंड
2023, 24, 25 ये एक नए समय की नींव रखेगा, और ये नए समय की नींव हमारे सामने आने वाले बहुत बड़े बदलावों को लेके आएगी, जिस बदलावों को हम अपनी आँखों से गुजरते हुए देखेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ, चाहे वो किसी भी माध्यम से हुआ। बताया था सितंबर तक का टाइम था, युद्ध की स्थिति कम होती जा रही है, युद्ध घटता जा रहा है। अब जो युद्ध होने वाला है वो बड़ा युद्ध होएगा इकोनॉमी का, मतलब एक देश दूसरे देश को गिराता हुआ दूसरे से आगे बढ़ने की जद्दोजहद करता हुआ नजर आएगा, और ये इकोनॉमिक वार सभी लोगों के ऊपर असर डालेगी, सभी लोगों के जीवन यापन के ऊपर असर डालेगी। भुखमरी की स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ती हुई जाएगी, महंगाई की स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ती हुई जाएगी, जिस कारण लोगों के मन में तनाव, चोरी, डकैती, बेरोजगारी के कारण बहुत सारी घटनाएं अब इस धरा पे दिसंबर के बाद में अंजाम लेने वाली हैं। तो पहले से इस बारे में प्रिपेयर होने का टाइम है, पहले से इस सिचुएशन को संभालने का टाइम आ चुका है। अब पश्चिमी देशों की अगर मैं बात करता हूँ तो अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूक्रेन, यूक्रेन के साथ में नाटो कंट्रीज़, इन सभी का भविष्य डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों के ऊपर खाद्य सामग्री को लेकर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन अब वो स्थिति गंभीर हो गई है। अपने आप को आगे बढ़ाने की चाह में देशों ने इन सब चेंज को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, और ये बात आप ऑलरेडी पास्ट में देख चुके हो, भारत ने, रशिया ने जो ये स्टार्टिंग कर चुके हैं, और पाकिस्तान जैसे हालात अब कई देशों के होने वाले हैं, कई जगहों के ऊपर स्थिति गंभीर होने वाली है। अगर प्रकृति के रिलेटिवली भूकंप की बात करूं तो इंडोनेशिया, चाइना, जापान, भारत के अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर कई झटके देखने को मिलेंगे, और ये सारे ही झटके 4.8 या 4.5 के स्केल से ऊपर के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस समय के ऊपर एक बड़े बदलाव से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसके बारे में पिछले एक साल पहले मैंने कई वीडियोस बनाई थी, आप लोगों ने देखी होंगी, तो नहीं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, युग परिवर्तन का टाइटल था वो। युग परिवर्तन के अंदर बहुत बड़ा इतिहास रचने का समय अब आ चुका है, और ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई मैंने जैसे बताया था कि ये लड़ाई यहीं नहीं थमेगी, ये लड़ाई अपनी सीमाओं को लेके भारी वायुमंडल, अंतरिक्ष तक जाने वाली है। मतलब उनको अपनी सत्ता को बढ़ाने का प्रयत्न करते देश किसी भी तरह से अब रुकने वाले नहीं है। तो जितने भी पश्चिमी कंट्रीज हैं उसके अंदर आप लोगों का क्वेश्चन था मेरे से कि क्या बाइडेन दोबारे आएंगे, क्या ट्रंप दोबारे आएंगे, तो दोनों नहीं आने वाले। एक नया राष्ट्रपति वहाँ पे दोबारे से चुना जाएगा और अमेरिका के बहुत बड़े इतिहास को बदलने का कार्य करेगा, ये बात मैंने आप लोगों को अभी बता दी अमेरिका के विषय में। कल मेरे पास एक कोई है जिन्होंने अमेरिका से ये व्हाट्सएप किया था, तो उनको जवाब मिल गया होगा। तो अब बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को संभालना है, हम लोगों को देखना है और इस बारे में जानना है कि इस युग परिवर्तन में हम कैसे उसको हिस्सा रहते हुए भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। फिर मिलूँगा आपसे, सभी लोगों का दिल से आभार। आप प्रिडिक्शंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बता भी रहे हैं मुझे किस किस जगह पे हो रहा है, कौन कौन से प्रिडिक्शन सत्य साबित हो रही हैं, तो दिल से मैं इसके लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों का प्यार ही है जो ये भारतीय ब्लॉगर फैमिली इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। तो फिर मिलूँगा आपसे, सभी लोगों का ये बहुत बहुत धन्यवाद।